बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू लोटस फूड गैलरी। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी मशरूम। क्रीमी मशरूम के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने दो कैन लिए थे मशरूम के, लेकर उनको इस तरह से इस साइज़ के उसमें कट कर दिया है। दो कैन ले लेंगे मशरूम, 4-5 टेबल स्पून मिल्क, दूध, थाइम 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, क्रश्ड ब्लैक पेपर यूज़ करना है, ब्लैक पेपर का पाउडर नहीं यूज़ करना। ये कुछ मैंने चिकन भी लिए, इसके साथ हम चिकन शामिल करेंगे। थोड़ी सी चिकन आप ले लीजिएगा 500 ग्राम, और इसको क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में या जूलियन कट काट लीजिएगा। ये लिए मैंने, और हम इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे 2-3 टेबल स्पून, गार्लिक 4-5 अदद मैंने गार्लिक क्लोव्स लेके लहसुन के जवे लेकर उनको फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा ये जाएगा पार्सले, 1/3 बंच जाएगा पार्सले, 200 ग्राम जाएगी क्रीम चीज़। ये तमाम चीज़ें आज हमें चाहिए होंगी अपनी डिश के अंदर। अच्छा, अब ये दूसरा एक पैन ले लेंगे हम अपने क्रीमी मशरूम सॉस की तरफ चलते हैं जो बनाना है। आपने एक पैन ले लेना है, पैन के अंदर 2-3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, ये देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल 2-3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। फाइन चॉप गार्लिक, अच्छा ये 2 मिनट अपने गार्लिक को हमने फ्राई कर लिया, अब हम इसके अंदर अपनी चिकन ऐड करके 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट इसको आपने चिकन को फ्राई करना है, जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो आपने अपनी मशरूम ऐड करके फ्राई कर लेंगे इसके साथ। अच्छा अभी देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे मशरूम और चिकन दोनों चीज़ें फ्राई हो गए हैं, इसका तमाम पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करके इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। साथ में 2 चुटकी नमक डालेंगे, क्योंकि हम चीज़ क्रीम जब ऐड करेंगे उसमें भी नमक होता है, इसलिए 2 चुटकी आपने सिर्फ नमक डालना है इसके अंदर। ब्लैक पेपर, थाइम, ये हम चीज़ क्रीम ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब आपकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो आपने ये पार्सले ऐड करके इसको मिक्स करके इसका चूल्हा बंद कर देना है। ये आप देख सकते हैं क्रीमी मशरूम चिकन आपकी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी तमाम अपडेट रेसिपीज़ मिलती रहें फौरन। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।